अच्छा देखें, न्यूमेरिकल नंबर 4 में आपके पास क्या कहा जा रहा है? अस्लिंकी हैज प्रोड्यूस्ड अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव. अच्छा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है? मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं. द वेव ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड. देखिए अगेन, आपको वेव किस में दी हुई है? स्पीड मीटर सेकेंड. मैंने आपको भी बताया था कि मीटर आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट है, इसमें आपके पास होनी चाहिए. ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में. ठीक है, कैसे करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे. फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 20 हर्ट्स. आपसे पूछा गया है कि इसके जो कंजेक्टिव कॉम्प्रेशन है, क्योंकि आपको पता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में आपके पास कॉम्प्रेशन होते हैं और क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बिल्कुल पैरेलल डायरेक्शन पैरासाइटिस होते हैं. बिल्कुल, तो आपसे दो क्वेश्चन के दरमियान जो है वो डिफरेंस पूछा गया है मिनिमम, हम उसको फाइंड आउट करेंगे. अच्छा जी, हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो मैंने आपको सबसे पहली बात कही कि आपको जो वेलोसिटी जो गिवन है हमें उसको कन्वर्ट करना है. देखिए, 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड दी गई, यानी कि 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सेकेंड वाली बात तो ठीक है, हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर को. इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जीरो पॉइंट फोर को हंड्रेड डिवाइड करना पड़ेगा किससे? फोर्टी ओ सॉरी, 0.4 नहीं है, मिस्टेक है, 40 आ रहा है. को ठीक डिवाइड है, करना 40, पड़ेगा 100 से। ठीक बिल्कुल 40 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से. यहाँ हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. मुझे बताइएगा, 40 को अगर आप 10 रेज टू पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आपके पास आंसर 0.4 मीटर पर सेकेंड आ रहा है? चेक करें अपने पास कैलकुलेटर में, फिर मैं आपको एक ट्रिक समझाती हूँ इससे. जी स्टूडेंट्स, जी में से आ रहा है। ठीक है. अच्छा, ये आप लोगों का ना यूनिट कन्वर्जन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है. इस पे आप लोगों की एक वीडियो मौजूद है, मुझे याद दिलाइएगा इस क्लास के बाद. आप लोग में इसको एक बच्चा व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोगों को लेक्चर्स देख लेगा, तो आपको यूनिट कन्वर्जन आ जाएगी. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने वेलोसिटी को कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड में. फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 हर्ट्स थी. अब हमने वेवलेंथ निकालनी. वेवलेंथ आपके पास जो है उसको निकालने का तरीका आपके पास क्या है? आपके पास फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू डिवाइड एफ लैम्डा का. वेलोसिटी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेवलेंथ को अलग रखें, फ्रीक्वेंसी को उस तरफ भेज दें, वी डिवाइडेड बाई एफ पुट एफ करें, आपके पास आंसर आ जाएगा. क्या आंसर आएगा? 0.02 मीटर। गुड, तो ये वाली बात भी, ये वाले न्यूमेरिकल्स भी आपको क्लियर हो गए. ठीक यस है, अगला देखें आपके पास क्या है. न्यूमेरिकल नंबर 5. सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव्स इन अ स्लिंकी. एक स्टूडेंट जो है वो वेव्स को जनरेट कर रहा है. ठीक है, द स्टूडेंट्स हैंड मेक वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑस्किलेशन इन 0.40 सेकेंड. अब देखिए, जो बच्चा वेव्स को प्रोड्यूस करवा रहा है, जनरेट करवा रहा है, उसका हाथ जो है वो बैक और फोर्थ मोशन में चल रहा है, यानी कि आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन में मूव कर रहा है. कैसे मूव कर रहेगा? ऑस्किलेट कितने सेकंड में करती है? उसके एक ऑस्किलेशन कितने सेकंड्स में हो रही है? एक ऑस्किलेशन से मुराद ये है कि वो यहाँ से जाए और दोबारा इसी पॉइंट पर आ जाए. ठीक है, ये ऑस्किलेशन में आपके पास आ जाएगी. ये कितने सेकंड्स में हो रही है? 0.4 सेकंड्स में हो रही है. वेव जो स्लिंकी में प्रोड्यूस हो रही है उसकी लेंथ कितनी है? उस वेव की उसकी लेंथ है 0.60 मीटर. ठीक है, अब आपने क्या मालूम करना है? आपने इसका टाइम पीरियड मालूम करना है. अच्छा, जहाँ पे भी पीरियड लिखा है ना, इसे कंफ्यूज नहीं होना, ये टाइम पीरियड इन्हें किन्हें लिख के देना चाहिए था, क्योंकि ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. लेकिन आप लोग यहाँ पे समझ लें कि टाइम पीरियड की बात हो रही है और फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है और वेव स्पीड. अब देखो बेटा, आपको दो चीजें यहाँ पे गिवन है. वो दो चीजें आपको क्या गिवन है जरा देखना. आपको गिवन है टाइम, ठीक है, एक चीज आपको गिवन है टाइम, दूसरी चीज आपको गिवन है वेवलेंथ, सही है. तीसरी चीज अगर आपने यहाँ से नोट किया हो तो आपको क्या कहा हुआ है? वन कंप्लीट ऑस्कुलेशन, या क्या आपको ऑस्कुलेशन भी गिवन है. अब आपने निकालना है आपके पास जो तीन चीजें मैंने आपको बताई. आपके पास फॉर्मूला है, जिस तरह से आपके पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने पीछे यूज किया था, क्या था वो? फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू वन अपॉन का फॉर्मूला पीछे क्या था बच्चे? सॉरी, आपकी आवाज ड्रॉप हो गई, दोबारा बोले. एफ इज इक्वल टू एफ वन इज बाई इक्वल टू टी। वन अपॉन टी.
इसके अलावा एक और फॉर्मूला मैंने आप लोग को यूज करवाया था, नंबर ऑफ टाइम नंबर ऑफ वेव अपॉन टाइम। गुड, अगर यही फॉर्मूला मैं टाइम पीरियड्स के लिए आपको बताऊं ना, तो टाइम पीरियड के लिए क्या हो जाएगा, टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने जिस क्वेश्चन उसमें जाकर न्यूमेरिकल में जहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला पुट किया था, आप वहां पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला पुट करके ऐसे अपनी प्रैक्टिस के लिए चेक करिएगा कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आंसर आपने 1/f से निकाला था, क्या वो और इस फॉर्मूले से निकलने वाले सेम है या नहीं, फिर मुझे बताइएगा। खैर, यहाँ पे मैंने आपको टाइम पीरियड का एक और फॉर्मूला जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, जो हमारे पास क्या है, टी इज इक्वल्स टू टाइम टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस। टाइम टेकन, टाइम कितना था आपके पास, टाइम था 0.40 डिवाइडेड बाय 1। बेटा 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आपका आंसर डायरेक्ट क्या आ गया, 0.40 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, आपने 0.4 सेकेंड को यहाँ पे पुट करना है, फॉर्मूला होता है 1/T, ठीक है, आपने इसको पुट किया, ये आपके पास हो गया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/0.40। इसको सॉल्व करें, 2.5 हर्ट्ज जो है वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके हैं, वेवलेंथ हमें गिवन है, हमने पुट करी, हमारे पास वेलोसिटी आ गई। आसान था ये, बिल्कुल वैसा ही न्यूमेरिकल था जैसा हमने इससे पहले सॉल्व किया है, वहां पे हमने पहले फ्रीक्वेंसी निकाली थी, यहाँ पे इन्होंने इस तरह के फॉर्मूले से टाइम पीरियड निकालना बता दिया। अब आप ये करिएगा, यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी 1/T से निकाली ना, अब आप फ्रीक्वेंसी को इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल के देखिएगा क्या आंसर आता है, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस, अपनी प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6, इफ 80 कॉम्प्रेशंस, बेटा अभी मैंने आपको बताया था कॉम्प्रेशन हमारे पास किस में आ रहे होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में, याद रखिएगा इसलिए क्योंकि आपके लिए किसके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास 80 कॉम्प्रेशन जो है वो स्ट्रिंग, एक स्प्रिंग आपके पास उसमें से पास होती है 20 सेकेंड्स के अंदर, यानी एक स्प्रिंग है इसमें से आपके पास जो कॉम्प्रेशन पास हो रही है वो कितनी हो रही है, 80, और कितने सेकेंड्स में हो रही है, 20 सेकेंड्स। करेंगे आंसर आपके पास 0.08 मीटर आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस भी गिवन, नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस से मुराद यही आपकी ऑस्किलेशंस है, टाइम टेकन भी गिवन है, वेवलेंथ भी गिवन है। अब आपने क्या मालूम करना है, आपने मालूम करना है वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी के लिए देखें वही वाला फॉर्मूला आ गया जो मैंने आप सभी पर कहा था कि आप उसके लिए भी ट्राई करके देखेगा, तो यही नंबर ऑफ कॉम्प्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन पुट किया, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई 4 हर्ट्ज। टाइम पीरियड के लिए क्या होगा, टाइम पीरियड आपके पास होता है टी इज इक्वल्स टू 1/f, फ्रीक्वेंसी पुट करिएगा 4 और आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा 0.25 सेकेंड्स। अच्छा, उसके बाद है आपके पास v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, आपने इसके अंदर फ्रीक्वेंसी और लैम्डा को पुट करना और ये आपके पास एग्जैक्ट वैसे ही वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, सेम न्यूमेरिकल है, सिर्फ क्या है थोड़ी सी जो न्यूमेरिकल में बात पूछी गई थी वो डिफरेंट थी, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, दो न्यूमेरिकल्स रह गए, इसको सॉल्व करते हैं, फिर ये चैप्टर एक आपका कंप्लीट हो जाएगा न्यूमेरिकल के हिसाब से। इसके मैं आपको मंडे के दिन होमवर्क दूंगी, ठीक है, मुझे मंडे को याद दिएगा, मंडे को मैं आपको होमवर्क से मना दिए, टेस्ट टाइप भी आपका कंडक्ट करूंगी। पहले मैंने आपको इसको होमवर्क तो मैंने आप लोग को बताया कि आपके पास 5 सोर्सेज है, मैंने यूट्यूब पे भी सॉल्व करवाए हैं, लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आपने वो भी देखनी है और इन 5 सोर्सेज से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, ठीक है।
और फिर आपका जब मैं टेस्ट कंडक्ट करूंगी तो उनमें से मैं किसी में से भी आपको टेस्ट दे दूंगी न्यूमेरिकल्स का. अच्छा भाई, अब देखिए आपका न्यूमेरिकल नंबर 7 में है. वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपेगेट, प्रोपेगेट का मतलब है उसकी मूवमेंट के हवाले से बात की जा रही है, एट 0.90 मीटर पर सेकेंड. ये आपको क्या गिवन है, इसकी वेलोसिटी. इफ यू स्प्लैश द वाटर एट 1 एंड रिफ्लेक्ट एंड रिटर्न इन 30.0 सेकेंड. इसको 30 सेकेंड कंसीडर कर लें, 0.0 की कोई वैल्यू नहीं होती. टाइम भी गिवन आ गया आपके पास, ठीक है. उसके बाद आपसे क्या कहा गया है, हाउ फार इज द अदर एंड ऑफ द पूल. दूसरा एक एंड पर तो आपने उसको स्प्लैश कर दिया, आपसे पूछा जा रहा है दूसरा एंड उसका कितने फासले पर होगा. बेटा आपको आपको यानी कि इसके अंदर जो चीज पूछी जा रही है ना, गौर से देखें, हाउ फार अवे इज द अदर एंड ऑफ द पूल. आपसे इसकी वेवलेंथ के बारे में पूछा जा रहा है कि उसकी वेवलेंथ जो है वो और कितनी दूरी पर जाकर जो है दूसरे एंड पर बनेगी, ठीक है. वेलोसिटी गिवन है, टाइम जो है वो यहाँ पे आपको 20 सेकेंड से अवे, गलत है, इसको 30 सेकेंड कर लेना, ठीक है. और वेवलेंथ आपके पास फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी के लिए, क्या 1/T. आपने पुट किया, आपने टी की जगह लिखा 30 सेकेंड्स, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई 0.33 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी को निकाली क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और हमें निकालना है लैम्डा. वेलोसिटी हमें गिवन क्या नहीं थी, हमें फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हम पहले हमने इस फॉर्मूले से मालूम कर ली. अब हमने इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज को पुट किया, ठीक है. आपके पास वेलोसिटी थी 0.90 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी थी 0.033. आपने इनको पुट किया, आपके पास आंसर आ गया 27.27 मीटर्स, या आप इसको 27.3 मीटर्स भी कह सकते हैं. आसान, प्रीवियस न्यूमेरिकल्स की तरह ही था. जी स्टूडेंट्स, अच्छा मुझे ना चैट बॉक्स में बताइएगा, मुझे आप लोग की ना आवाज क्लियर नहीं आ रही है. अगर कोई चीज कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो मुझे चैट बॉक्स में पूछ लीजिएगा. लास्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है. लास्ट ही आज इसलिए क्योंकि मैं इससे ज्यादा ले लेती, आप लोगों को ज्यादा सॉल्व करवा देती, लेकिन मेरा लैपटॉप अनफॉर्चुनेटली चार्ज नहीं, और इसका चार्जर भी मेरे पास मौजूद नहीं है. तो न्यूमेरिकल नंबर 8 देखते हैं हमारे पास क्या है. अ सिंपल ऑस्किलेटिंग पेंडुलम. पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम बच्चे हैं जो अपनी मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं करते, हर किसी की बात सुनते रहते हैं, कभी इधर मूव करते हैं कभी उधर मूव करते हैं, और एक पॉइंट पर आकर नहीं रुकते. खैर फिजिक्स की जबान में पेंडुलम कुछ और होता है. पेंडुलम आपके पास क्या होता है, पेंडुलम आपके पास इस तरह से आप समझ लें एक रोप के साथ कोई बॉल या कुछ भी ऐसे हैंग हुई भी होती है, और जब आप उसको मूव करवाते हैं तो वो टू एंड फ्रो मोशन करती है, ठीक है. तो पेंडुलम जो है उसकी लेंथ गिवन है 80 सेंटीमीटर. 80 को कन्वर्ट कर मीटर्स कैसे, 80 को डिवाइड करेंगे 100 से, 0 से 0 कट, 8/10 इज इक्वल टू 0.8 मीटर्स. अब आपने इसका टाइम पीरियड मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी. अब देखे बेटा, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि बॉल हैंग हुई हुई है. बॉल हैंग हुई हुई का मतलब क्या है कि एक चीज जो है वो इसको नीचे की तरफ खींच रही है. वो चीज क्या है, उस चीज को हम कह रहे होते हैं ग्रेविटी, ठीक है. ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है. हमें मालूम करना है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी. बेटा पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला चेंज होता है, और वो क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास एल अपॉन जी. टू आपका एज इट इज रहेगा, कॉन्स्टेंट है. पाई की वैल्यू आपके पास 3.14, लेंथ आपने 0.8 निकला क्योंकि हमने कन्वर्ट कर लिया था मीटर में. ग्रेविटी की जगह आप 9.8 लिख लें या 10 लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज है. आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो आप जो है वो 10 लिख सकते हैं. आपने इसको निकाला तो आपके पास टाइम पीरियड क्या आ गया, 1.8 सेकेंड्स. क्लियर, फ्रीक्वेंसी निकालनी है सिंपल. कौन कौन सी यूज हुआ उसको हम कंक्लूड कर लेते हैं. पहला न्यूमेरिकल फॉर्मूला था हमारे पास वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा. दूसरा हमारे पास था फ्रीक्वेंसी का 1/T
तीसरा हमारे पास टाइम पीरियड का था 1/f. फोर्थ हमारे पास न्यूमेरिकल का एक और था, वो कौन सा था? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू बेटा n अपॉन t था या t अपॉन n था, जल्दी से बताओ. गुड. टाइम पीरियड के लिए क्या था? इसका उल्टा हो जाएगा, टी अपॉन एन. ठीक है, अच्छा भाई रोजा नहीं खोलना है, मुर्गे के अजान को इग्नोर करो. खैर, सिक्स हमारे पास और कौन सा न्यूमेरिकल था? और हमारे पास था टी इज इक्वल टू 2π एल अपॉन डी. ठीक है, यहाँ तक ये छह फॉर्मूला थे, इसके अलावा भी कोई और था? जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कंक्लूजन है इसका, छह फॉर्मूलास का. ठीक है, अगर इसके अलावा और भी कोई था फॉर्मूला तो उसको भी लिख लेना अपने पास. ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, ये आपका असाइनमेंट है कि आप सबने इन सब जो हमने न्यूमेरिकल समझेंगे इस चैप्टर में, जो भी आपके पास फॉर्मूलाज है बुक की एग्जाम्पल से भी देखना, वो सारे फॉर्मूलाज मुझे एक पेपर पर सब बच्चे लिखकर सबमिट करवाएंगे, सब लोग पिक्चर सेंड करेंगे. ठीक, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको करके आप लोग सबमिट करवा दिएगा. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना मैं क्लास को एंड कर दूँ. ठीक है, फिर मैं क्लास को एंड कर रही हूँ.